लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो, आलू का पछेती अंगमारी रोग। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रथम बार पहचानी गई यह पछेती अंगमारी रोग आलू की फसल में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण कवक जनित रोग है, जो अधिकांश आलू उगाने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, किंतु रोग की तीव्रता पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा तथा मैदानी क्षेत्रों में मध्यम होती है। यह रोग फाइटोप्थेरा के द्वारा होता है, जो बहुत ही जल्द दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेता है। रोग का प्रकोप वातावरण में तापमान लगभग 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब होता है। अगर वातावरण में नमी हो तो वो इसे बढ़ाने में मदद करती है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पानी से भरे हुए अनियमित पीले हरे धब्बों के रूप में पत्तियों के किनारे और मार्जिन के पास दिखाई देते हैं। ये धब्बे अनियमित आकार के बनते हैं, जो अनुकूल मौसम में बड़ी तीव्रता से फैलते हैं और पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। रोग की विशेष पहचान पत्तियों के किनारे और ऊपर का भाग भूरा होकर झुलस जाता है। सुबह के समय इन घावों के किनारों के आसपास संक्रमित पत्तियों की निचली सतह पर एक सफेद फफूंदी देखी जा सकती है। तने पर भी गहरे भूरे रंग के घाव दिखाई देते हैं, जो बढ़ते रहते हैं। प्रभावित तना कमजोर होकर गिर जाता है। रोगग्रसित पौधों के कंदों का आकार भी छोटा हो जाता है। रोग का बचाव ही इसका सर्वोत्तम तरीका है, किंतु आलू का बीज ही रोग का प्रथम वाहक है। इससे बचाव व नियंत्रण के लिए अंदर वृत्तीय क्रियाएं, जैविक उपचार, रोग प्रतिरोधी किस्में व रासायनिक दवाओं के प्रयोग से हो सकता है। खेत में समय समय पर खरपतवारों को निकालकर खेत को साफ रखें। अत्यधिक सिंचाई और खेत में पानी भराव की स्थिति से बचें। रोग प्रतिरोधी किस्में उगाएं, जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी ज्योति, कुफरी मलार और कुफरी थंगम आदि लगाएं। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखने पर नीचे दर्शाई दवाइयों को बदल बदल कर उपयोग करें। इस रोग के नियंत्रण के लिए मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजब 64%, एक्लिस्पे 2.5 ग्राम या साइक्लोमोक्सामिल 8% और मैनकोजब 64% वाइजर्ड की 2.5 ग्राम या क्लोरोथेलोनिल 75% WM की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाई पछेती अंगमारी रोग के प्रकोप को नजरअंदाज ना करें। फसल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृषि ई ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। कृषि ई ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें।